हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीआर ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम एग्जांपल 8 को सॉल्व करेंगे और अगर मेरे दिए गए सॉल्यूशन और ये वीडियो आपके समझ में आ जाती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम है। इसमें हमें HCF LCM पता लगाना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसा कि अब हम लगातार एग्जाम्पल को करते हुए आए हैं, इससे पहले कि 2 एग्जाम्पल कर चुके हैं, तो आपके आप जो जाकर देख सकते हो, ठीक है, प्लेलिस्ट में रियल नंबर्स के नाम से। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 6, 72 and 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके LCM HCF पता करना है। तो पता करते हैं, 6 का जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो कुछ इस तरीके से होता है, क्योंकि ये इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होने वाला है, ये 2, 3 जो 6। और यहाँ पे जो लास्ट एटलीस्ट ये तो होने वाला नहीं है, तो ये खुद से जाएगा, यानी 3 1 3, यानी 3 को मैं 6 को 2 × 3 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। 72 को भी मैं इसी तरीके से निकालूंगा, क्योंकि 72 जो है वो इवन नंबर है तो 2 से कैंसिल आउट होने वाला है, एंड 2 3 6, यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 के साथ 2 मिलेगा तो 12 हो जाएगा, एंड 2 6 होता है 12। अगेन ये इवन नंबर है तो 2 1 2 और ये हो जाएगा 16, तो 2 8 16 और 2 9 18, 3 3 एंड 3 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर लिया और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 3 × 3, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 जो है 3 × 2³ हो जाएगा, एंड 3 2 टाइम्स है तो 3 2² हो जाएगा, ठीक है। 120 का भी हम कुछ इस तरीके से निकाल लेते हैं 120। तो जब मैं इसको पता करूँगा तो ये 60 से जाएगा, देन 30 आएगा, देन 15 आएगा, देन 5 एंड देन 1, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5, यानी 2 जो है 3 टाइम है तो 2³ लिखा जा सकता है × 3 × 5। HCF के लिए हम क्या करते हैं, HCF के लिए हमें लीस्ट प्राइम जो प्राइम फैक्टर होता है उसका प्राइम फैक्टर होता है और वो कॉमन होना चाहिए और उसकी पावर लीस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 1 टाइम ही है, ठीक है, और 3 भी 1 टाइम आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, और इन सब की पावर 1 भी है। तो यहाँ पे हमारा HCF जो होगा वो 2 × 3 होगा, विच इज़ 6, यानी HCF जो आया है 672 और 120 का वो 6 आया है। अब हम LCM पता करेंगे। तो LCM के लिए क्या होता है, LCM में हमें यहाँ तो हमें लीस्ट पावर देखनी होती है कॉमन प्राइम फैक्टर की, ठीक है, मगर यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट पावर वाले प्राइम फैक्टर को देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 जो है ग्रेटेस्ट पावर में 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम सिर्फ इसको लेंगे, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं प्रोडक्ट में, और 3 जो है ग्रेटेस्ट पावर में, यहाँ पे 3 × 2 है, एंड 5 जो है वो 5 × 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 × 2 3² एंड 5। तो जब मैं इसको फाइंड करूँगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, तो 2 2 4 2 8 3 24 24 × 12 क्या हो जाएगा 12 × 24 48 24, यानी हमारे पास जो LCM आ रहा है वो कितना आ रहा है 360 हमारा LCM होगा, यानी 2 × 2 × 2 8 8 3 24 24 × 15 करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो ये LCM था, ठीक है। इसको आप एक दूसरा मेथड भी है डायरेक्ट निकाल सकते हो, यानी 120 6 72 और 120, इनका एक साथ आप LCM भी निकाल सकते हो। कैसे, इन सब में जो कॉमन है उससे आप इसको डिवाइड करिए, जैसे 2, ये सारी नंबर इवन है तो आप 2 से इसको डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 36 आएगा, देन 60 आएगा। अगेन यहाँ पे अब 2 से जाने वाले नंबर सिर्फ 2 ही बचे हैं, 3 नहीं जाएगा, तो जो नहीं जाएगा उसको आप एज इट इज़ लीव इट कर दोगे। तो यहाँ पे 2 से 3 जाने वाला नहीं है, तो 3 को मैं पूरा पूरा लिखूँगा, और 36 जा सकता है तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। अगेन 2 से जा सकता है तो 3 नहीं जाएगा, तो इसको मैं ऐसे ही लिखूँगा, तो 2 9 18 एंड 15 2 30 होता है। अब यहाँ पे सारे नंबर 3 से जाने वाले हैं, तो 3 से चले जाएंगे, 3 1 3 3 3 9 एंड 3 5 15 होता है। तो यहाँ पे 3 से जाएगा तो 1 तो जा चुका है, तो 3 1 3 हो जाएगा, जो नहीं होगा तो वो पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। और फाइनली अब हमारा 5 भी जा चुका है। तो यहाँ पे जो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहे हैं
आप देख सकते हो कि ये वही हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो और इस तरीके से भी निकाल सकते हो। चॉइस इज़ योर्स वेदर यू आर गोइंग टू चूज़ विच वन इज़ ईजी फॉर यू। ठीक है, तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ, इतना ही था। अगर आपको समझ में आ रही है हमारी वीडियो तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।